सीधी के चौराहट में आयोजित हो जा रहा है विशाल चिकित्सा शिविर के जोने के तारतम्य में आज सीधी में कांग्रेस की ओर से प्रेसवार्ता आयोजित किए गए। प्रेसवार्ता में आज जो है सीधी जिला के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा के द्वारा यह पूरी जो चिकित्सा शिविर लग रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। कैसा शिविर रही, कौ में लोग आमे और का वहाँ कौ कौ मतलब वहाँ सुविधा रही जोने से आम आदमी पहुँच के लाभ ले सकते हैं, चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य संबंधी लाभ ले सकते हैं। कनिष्क जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना के ये प्रश्न पूछे के। हमारे जिला के सर्वमान्य नेता हमार अपना के सबके तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पूर्व राज्यपाल पंजाब पूर्व केंद्रीय मंत्री पूज्य कुंवर अर्जुन सिंह जी के स्मृति में उनकर सुपुत्र आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह जी राहुल भैया के सौजन्य से और सिरायगढ़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भोपाल के सहयोग से 17, 18, 19 दिसंबर का सुरहट के सर्रा में यह शिविर आयोजित किए गए, स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। यह स्वास्थ्य शिविर में हर तरह के मरीजन के जांच करे खातिर मशीनें आई हैं। सिरायगढ़ मेडिकल कॉलेज के स्टाफ डॉक्टर से लेके कुल छोट कर्मचारी तक मिला के कुल लगभग 300 के संख्या में सिरायगढ़ मेडिकल कॉलेज के स्टाफ स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रही। जांच करे वाली मशीनें आई हैं और हर मर्ज के विशेषज्ञ डॉक्टर रहे। जौन मरीज गंभीर नहीं आई उनका चिकित्सा यहाँ उपलब्ध कराई जा सका थी तो जांच उपरांत उनका यहाँ दवाई उपलब्ध हुई। जी वहाँ स्वास्थ्य शिविर में जाए ही दिखावे उनका दोपहर के भोजन वहाँ दें जी। और जो उन गंभीर मरीज वहाँ से निकली ऑपरेशन लायक या कोनो और गंभीर बीमारी है ओके लायक, चाहे वह हृदय रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हड्डी रोग हो, कोनो इस तरह के मर्ज है तो निःशुल्क उनका यहाँ से भोपाल ले जावा जाए। तो भोपाल में उनके रहे के उनके खाए के उनके पूरे चिकित्सा सुविधा के और ठीक होए पर उनका यहाँ पहुँचावे के यह सारी जवाबदारी सिरायगढ़ अस्पताल को सौंपी गई है। और ऐसे एक उद्देश्य यह है कि सीधी जिला के तमाम वो लोग जी अपने आर्थिक उपलब्धता के अभाव में संपूर्ण चिकित्सा नहीं करा पाते या कोनो गंभीर मर्ज से पीड़ित हैं तो उनका लाभ दिलावे का एक सहायतार्थ किए जा रहा है। का यह जो चिकित्सा शिविर है एमन निःशुल्क दवाई के व्यवस्था है या फिर जी हाँ एक डोज दिन जी मतलब नहीं हाँ यहाँ जो साधारण मरीज हैं उनका तो यहाँ के पूरा कोर्स दवाई के कितना है वो दे दिन जी। अच्छा जो भोपाल गंभीर मरीज जय ही उन्हों का दवाई के सुविधा वहाँ भोपाल से उपलब्ध कराई पूरी तरह से मुफ्त रही। हाँ भोपाल ले आवे के ले जाए के वहाँ रहे के खाना के ये सारी सुविधा निःशुल्क रही। अभी हम ये प्रेस नोट पढ़ रहे हैं नुमा आयुष्मान कार्ड बीपीएल कार्ड समग्र आईडी और यह सब यह एक पहचान है ओमन से। ये ओमन से जितना ओमन लिखा है कागज ओमन से एक कौनो हो चाहिए है ना परिचय पत्र मतलब केहू के लगे यदि आयुष्मान कार्ड नहीं आए तो या संबल कार्ड नहीं आए तो ओके इलाज में कौनो दिक्कत नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं वोटर आईडी हो मतलब पहचान के रूप में कुछ लेके आ जाए ठीक है बस बाकी और कोनो बाध्यता नहीं है कि वो कोई पास आयुष्मान कार्ड हो ही चाहिए कि संबल आईडी हो ही चाहिए नहीं ऐसा नहीं मान लीजिए किसी पास नहीं है तो इलाज होगा इलाज सबका होगा निश्चित तौर पर। अब बात पूर्व जिलाध्यक्ष जी से कि यह बताइए का सीधी में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है मतलब यह अपना का कांग्रेस का हरबे
चिकित्सा शिविर लगावे पड़ल है। कल प्रभारी मंत्री आई, उनके द्वारा दौरा की इनका जिला चिकित्सालय, कहा कि सब व्यवस्था है, सब स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। का कहा अपना ये व्यवस्था? देखिए कनिष्क जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम प्रश्न सीधे जिले के लोगों के लिए किया है। हम लोग विगत 17-18 वर्षों से करीब 15-16 महीने के बीच में अपनी सरकार आई, जमते जमाते हो उखड़ गए कुछ माननीयों के माध्यम से। मैं 7 साल में अध्यक्ष रहा, उसके बाद 3.5 साल ये रहे। हम लोगों ने बारंबार धरना आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से मांग की कि जो यहाँ पे रिक्त पद हैं, जैसे डॉक्टरों के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वो पूर्ण की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है सीधी जिला का कि इसके बावजूद भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे हम लोग, कहीं ना कहीं कमजोरी है। अभी आप कुछ देर पहले एक चर्चा के दौरान आप बात कर रहे थे कि भाई 1 साल किसान आंदोलन चला और भारत सरकार को झुकना पड़ा, आदरणीय मोदी जी को झुकना पड़ा और उनकी पूरी मांगे पूरी। मैं ये निश्चित तौर पे स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति की हम लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा कमी है और संघर्ष करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग एक विपक्ष की भूमिका में एक प्रखर होके अगर सामने आ जाएं और इस मुद्दे को अगर हाथ में ले लें तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल बेबाक रहा है, बिल्कुल बिना लाग लपेट के अपना के द्वारा कहा गया कि निश्चित तौर पर कहो न कहो जो प्रयास है वो थोड़ा बहुत कमी रही है, नहीं तो शायद सफलता नहीं मिली। हमारे साथ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुन्नू भैया हैं। भैया अपना ये जिला चिकित्सालय के बात से हम करीब लागे कहे कि अपना पचे वह जिम्मेदार शख्स है जो सीधी का कहो न कहो चलावे में एक महती भूमिका रही है। यह दौर में यह जब कहा जाए लगे कि 100 वाहन के व्यवस्था अपना रहन नगर पालिका में, अपना एक सोसाइटी में 100 वाहन रखे रहन, ओके द्वारा मदद करे के प्रयास कर रहन, स्थिति फिर वह होने लगी। एम्बुलेंस तो बहुत इक्का खड़ी है किंतु लोगन के मदद नहीं हो पा रही है, गरीबन से पैसा लीन जात है, जबकि मुफ्त और कहो न कहो मुख्यमंत्री कहते कि सब व्यवस्था मुफ्त है, कहाँ ही मुफ्त व्यवस्था और कहाँ भी अव्यवस्था का लेके। हम बाबा परसवें हमार बात भेरी जो प्रभारी हैं 100 वाहन के, तो कहीं पूरी तरह से दुरुस्त है अपने वाली वाहन चलन लाई। हमसे कहीं कि जो अपना वाहन दान दे हैं नगर पालिका में अपने वाली चलन लाई, जो नगर पालिका में इतनी नई गाड़ी आई हुई इतना डीजल खाती कि वहाँ लोगन के ले जाए में बहुत खर्च होते, ऐसे एमें कम खर्च में लोग अपन पेट्रोल डलाई और लेके चले गए इलाहाबाद। अगर ले जाए के बाद इलाहाबाद तो वो वाहन तो हमारे जो दहन पूरी तरह से संचालित है। अब जिला अस्पताल में अगर ये समस्या है तो अपना हमसे, अगर कौनों गरीब ये मेर हैं तो हमसे संपर्क करें, हम निश्चित रूप से उमन नगर पालिका में दे जरूर है गाड़ी, पर उमा हम ये सुविधा उनका दे के बाद दे करें कि भाई गरीबन का ये सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं तो ये सुविधा जारी रहनी चाहिए जब तक गाड़ी है, तो नहीं तो भाई हमारी गाड़ी वापस कर दे, हम अपने से चलवाओ फिर लोगों के। देखिए अपन उद्देश्य रहा कि गरीबन के मदद हो। भाई हम देखा तो रहे कि पहले गरीब जिनका स्वर्गवास हो जाता रहा जिला अस्पताल के बाहर डेड बॉडी रख के 10-20-50 रुपये चंदा वसूलत रहे, फिर लोग ले जाते रहे, वह दर्द पीड़ा देख के हम वो 100 वाहन नगर पालिका में सम्राट पृथ्वीराज चौहान समिति के नाम से दान कर रहे हैं। और वाहन अभिनव संचालित है, चूंकि नया वाहन रहा कोनो मारुति के वाहन रहा तो मारुति में इतनी कोनो मेंटेनेंस नहीं हुई। जी निश्चित तौर पर का अपना की यो प्रयास रही कहे कि अपना एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं तो का जिला चिकित्सालय में जो 100 वाहन खड़े हैं, जो एम्बुलेंस खड़ी हैं, इनका का व्यवस्था का सही रूप से संचालित हो रही है, एवं के अपना का बातचीत करब प्रयास करब। कहे कि यह स्वास्थ्य शिविर महज 3 दिन के आए कि फिर सबका जिम्मेदारी सबके जो कहा जाए कि सबके जो इलाज हुई थी है जिला चिकित्सालय के मथरे है, तो का जिला चिकित्सालय की व्यवस्था दुरुस्त कराए कि तीर कुछ व्यवस्था यह बात करब अपने बच्चे। अब जिला अस्पताल दुरुस्त हो खीतिर तो हम पंचे अब विपक्ष में तो आंदोलन के अलावा कोनो रास्ता नहीं है। और रही गया 100 वाहन के, तो 100 वाहन के जो हमारे पुराना अनुभव है 5-7 साल 8 साल के, तो अस्पताल में 100 वाहन के नाम से है तो जरूर,
और वो हमेशा कन्नम खड़े रहता, हमेशा सिविल सर्जन लोग हमका फोन करते रहे जब हम नगर पालिका में रहे, चाहे खरे साहब रहे हों चाहे द्विवेदी जी रहे हों, कि हमारा डेड बॉडी मंगा दी पुलिस के कहाँ फांसी लगा ली इनके, तो हम डेड बॉडी खिदर गाड़ी दे दी। तो चला तो 5 साल से नगर पालिका के वाहन रही, हमारे वाहन चलत रही, और एक वाहन नगर पालिका में फिर से खरीदेगा, पर वो हाथी खरीद लीनगा। और अपना पता करो नगर पालिका में जाएगा तो हाथी चलता ही नहीं है, और चला था तो इतना डीजल खाते कि लोग भाई 100 रुपया 110 रुपये लीटर डीजल है तो लोगों का बहुत खर्च लागत है। अब कोनो गरीब अगर वो हो गया तो भाई अब वह चूँकि शासकीय लोग बैठे हैं और शासन के और जनप्रतिनिधि के हुई तो ओकर देखिए जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ा हुआ होता तो ओकर जनता की समस्या दिखाती ही, जनता की पीड़ा दिखाती, ओके आधार पर जनप्रतिनिधि काम करत। अब वर्तमान में नगर पालिका प्रशासक के हाथ में है, अस्पताल तो जनप्रतिनिधि प्रशासन से चलते है, तो वहाँ संवेदनाएँ तो मर चुकी हैं। तो भैया का यह प्रावधानों है का कि गरीबन का या जो पेट्रोल या डीजल भराबे के परत है तो उनका ना भराबे के पर है, या का कुछ शासन की ओर से ऐसा कुछ प्रावधान है या फिर वह फॉलो करें इनके पर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम जब नगर पालिका में रहें तो हम जो गरीब जिनके लगे पेट्रोल के पैसा नहीं रहा था, हम बिना नगर पालिका से पेट्रोल डला के भिजवावत रहे, नगर पालिका से पेट्रोल डला के गाड़ी जाती रही। अब जिनके लगे नहीं है उनसे थोड़ा वसूली की जा सकती, उनका डेड बॉडी थोड़ा अस्पताल में पड़ी रह सकती। तो ये तो हमारे पंजन के सबके अपना पंजन सबके कर्तव्य है कि अगर ये मैं गरीब के हुआ तो बिल्कुल नगर पालिका और प्रशासन से अपना पंजन के ही सौ वाहन नगर पालिका में उपलब्ध है, और वह सौ वाहन ही कितनी दान दीन गए खड़े शोभा बढ़ावे के नगर पालिका के थोड़ा दीन गा। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे मुन्नू भैया जिनके द्वारा ये नगर पालिका के जो हैं पूर्व अध्यक्ष रहे और उनके द्वारा 100 वाहन मतलब जो एक बेहद महती आवश्यकता है जिला चिकित्सालय के रही, कहे कि लगातार कबो ठेला कबो रिक्शा कबो मोटरसाइकिल एम सवन के जो है ले जात तस्वीर सामने आवर रही जो मन का झक छोड़ दे रही। हालांकि अब हालात बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं आई, किंतु प्रयास यह है कि यदि सब लोगों के प्रयास हुई तो यह व्यवस्था बेहतर की जा सकती है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।